हेलो वेलकम, मैं विनीता पीजी इंग्लिश। हमारे यूट्यूब चैनल विनीता पीजी इंग्लिश को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। थैंक यू। सीताराम राधे राधे। टुडे लर्न नंबर्स नेम। आज हम आपको नंबर्स नेम, इसके पहले नाउन्स प्रोनाउन्स वगैरह हम आपको पढ़ा चुके हैं। आप विनीता पीजी इंग्लिश में जाके ठीक है उसको आसानी से पढ़ सकते हो। तो सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स नंबर नेम्स आपको आसानी से पता चल जाएंगे। ओके आपको नंबर्स नेम आसानी से पता चल जाएंगे। ठीक है, नंबर्स नेम क्या, एक से एक या एक से अधिक संख्याओं का बोध कराने के लिए नंबर्स नेम कहते हैं। हिंदी में नंबर्स नेम किसे कहते हैं, एक से अधिक संख्याओं का बोध कराता है। ठीक है, एक से अधिक संख्याओं का बोध कराए उसे हम नंबर्स नेम कहते हैं। ये टू टाइप्स होते हैं, सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स। बेटा मन लगा के पढ़ो, कठिन मेहनत, हार्ड वर्किंग, कठिन मेहनत। ठीक है, ये आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा। तो कहाँ पे थे, सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स। टू टाइप्स होते हैं, सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स। सिंगुलर्स क्या है, एक वचन करता। प्लूरल्स क्या है, बहुवचन करता। ठीक है, दोनों जैसे बुक, बुक आपका सिंगुलर नंबर हो गया एंड प्लूरल्स क्या होगा, बुक्स। ठीक है, जहाँ एक से अधिक संख्याओं का बोध हो उसे हम प्लूरल्स नंबर बोलते हैं। सिंगुलर्स एक एक वचनकर्ता को हम सिंगुलर्स बोलते हैं। क्या कर रहे हो बेटा, समझ गए, सिंगुलर्स और प्लूरल्स किसे कहते हैं, नंबर्स नेम किसे कहते हैं। इनके बहुत सारे रूल्स हैं, 10 रूल्स हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, 10 रूल्स आपको पढ़ाएंगे जिससे आप सिंगुलर्स और प्लूरल्स आसानी से बना सकते हो। द नाउन नंबर, संज्ञा वचन। नाउन नंबर को हम संज्ञा वचन बोलते हैं। काइंड्स ऑफ नंबर, सिंगुलर्स नंबर एंड प्लूरल्स नंबर। ठीक है, अभी बताया गया आपको सिंगुलर्स नंबर किसे कहते हैं, प्लूरल्स नंबर किसे कहते हैं। बुक है, बिल है, किंग है। चाइल्ड को चिल्ड्रन हो जाता है, इसमें चाइल्ड नहीं होता है। चाइल्ड को हमेशा सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या कर दोगे, चिल्ड्रन कर दोगे। ठीक है, याद रखना, चाइल्ड नहीं लिखना कभी, वो आपका रॉन्ग होगा। चिल्ड्रन, प्लेयर, प्लेयर का प्लेयर्स हो जाएगा। ओके, बॉयज का बॉय का बॉय प्लूरल बनाने के लिए। अब ये इनके नियम है, सो मैं आपको बता रहा हूँ। सिंगुलर्स पहला नियम क्या है, सिंगुलर्स नंबर जिनके अंत में कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एच टी वी डब्ल्यू आर वाई सॉरी वाई एक्स जेड वाई एक्स वाई वाई एक्स जेड। ठीक है, ये जो है आपके प्लू वो है कॉन्सोनेंट। वाइबल्स क्या है, ए ई आई ओ यू क्या है, वाइबल्स है। ए ई आई ओ यू वाइबल्स है। कॉन्सोनेंट ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने बचते हैं आपके ये कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट एंड वाइबल्स समझ गए, कॉन्सोनेंट क्या है, वाइबल्स क्या है। ठीक है, कॉन्सोनेंट प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है, प्लूरल बनाने के लिए क्या होता है, प्लूरल के लिए एस जोड़ देते हैं। जिनके अंत में कॉन्सोनेंट आए, बी सी डी एफ जी एच के एल एम एन, ये वर्ड आएंगे आपको इंग्लिश में। ठीक है, कॉन्सोनेंट जितने भी आएंगे समझ गए, उसके लिए हम क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ देंगे। कॉन्सोनेंट समझ गए, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट जैसे बी सी डी एफ जी एच ये वर्ड आएंगे वहां पर हम क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे। इतना समझ गए, जैसे चेयर, चेयर आपकी ओनली वन चेयर क्या हो गई, चेयर एक चेयर हो गई, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए चेयर्स कर देंगे। हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। ओके, सिंगुलर से प्लूरल्स आता है। चेयर्स, ये कैट को कैट्स में चेंज कर देंगे, बुक को बुक्स में, आर को आर। इसमें देखो चेयर, आर क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, आर आपका कॉन्सोनेंट, ऐसा तो नहीं है वाइबल्स है। चेयर
जहाँ पर कॉन्सोनेंट आएंगे, जहाँ पर लास्ट में वर्ड के कॉन्सोनेंट आएंगे वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, एस का यूज करेंगे। ओके, एस लगा देंगे, जोड़ देंगे या लगा देंगे, जो भी बोलो। सेकेंड नंबर, नाउंस के अंत में, ठीक है, किसी भी नाउंस के अंत में, नाउन किसे कहते हैं, और नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। प्रोनाउंस किसे कहते हैं, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड ऑफ नाउन, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे हम प्रोनाउंस कहते हैं। नाउंस किसे कहते हैं, जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। कोई व्यक्ति भी हो सकता, कोई स्थान भी हो सकता है, कोई प्लेस स्थान, ठीक है, कोई पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, कोई वस्तु भी हो सकती है, ये सब आपके क्या है, नाउंस है, ठीक है। तो नाउंस, ये नाउंस समझ गए, नाउंस के अंत में, यहाँ देखो नाउंस के अंत में जब एस डबल एस एस एच एक्स सी एच एंड ओ आए, क्या क्या आए, एस, ठीक है, एस आए, एस एच आए, एस एस आए, एक्स एच आए एंड एक्स आए एंड ओ आए, ठीक है, एक्स आए सी एच आए सॉरी ओ आए, तो प्लूरल बनाने के लिए जब, ठीक है, नाउंस के अंत में इतने आ जाए तो प्लूरल बनाने के लिए टी एस जोड़ देते हैं। क्या क्या है, ऐसे ही लग निकल लेना, एस डबल एस सी एच एस एच ओ एंड एक्स, लास्ट में आ जाएगा किसी नाउंस के लास्ट में आ जाएगा तो हम क्या जोड़ेंगे, उसमें क्या जोड़ देंगे, ई एस जोड़ देंगे, समझ लो। दो गए, एक कॉन्सोनेंट के बाद जब आए, ठीक है, कॉन्सोनेंट प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ देते हैं, कॉन्सोनेंट जब आए, ठीक है। फर्स्ट नंबर में आपका क्या होगा, साथ में लिखते चलिएगा, कॉन्सोनेंट प्लूरल बनाने के जब कॉन्सोनेंट लास्ट में आएगा तो हाँ एस जोड़ देंगे। अब सेकेंड नंबर पर क्या है, एस डबल एस एस एच सी एच एंड एक्स एंड ओ आई, ठीक है, तो वहां पर क्या जोड़ दोगे, क्या जोड़ेंगे, ई एस आई, ठीक है, बॉक्स। बॉक्स हो गया, ठीक है, बॉक्स, देखिए बॉक्स मीन्स डिब्बा, बॉक्स मीन्स क्या होता है, डिब्बा। तो इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या कर देंगे, ई एस जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, एक्स आई एंड लास्ट में आपको बताया गया है कि एक्स आए सी एच आए ओ आए डबल एस आए एस आए, आया समझ में क्यों बच्चे, तो बी ओ एक्स डी एस बॉक्सेज, बस एस आया, अभी मैंने बोला है कितने आएंगे, एस आया है बस एस, ओके, ई एस जुड़ गया। लेस लेस एज डिस डिसेज, समझ गए कहाँ पे किस ई एस लगेगा, कहाँ पर एस लगेगा, दो टॉपिक एकदम समझ में आ गए। एक इसमें थोड़ा अपवाद भी है, ठीक है बच्चे, एक ऑक्स का एक साथ है तो ऑक्सेज नहीं होगा आपका, ठीक है, अलग अलग है, ठीक है, तो ये ऑक्स का ऑक्सेज हो जाता है, अपवाद नहीं है, ये ऑक्सेज, ठीक है, ऑक्सेज नहीं होगा, ई एस नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सन ई एल लगेगा, ओके, इसको रख लिया, ऐसे एक दो बार देख लोगे पढ़ लोगे तो आसानी से आ जाएगा, ओके। टू नंबर्स आपके क्लियर हो गए, एक प्लूरल के एस लगता है, दूसरे नंबर पर एस सी एच एस एच ओ एक्स आ जाए तो वहां पर ई एस लगा देते हैं, नाइस, आ गया समझ में, ओके बच्चे। थर्ड नंबर, नाउंस के अंत में वाई हो, ठीक है, जब किसी नाउंस के अंत में वाई हो, बेटा समझ में आ रहा है, वाई हो तो प्लूरल बनाने के लिए आगे ई एस लगा देते हैं, जब सिर्फ वाई होगा, किसी भी नाउंस के अंत में वाई आ जाएगा, ठीक है, तो वहां क्या लगा दोगे, वाई ई एस, किसको, वाई को हटा के लगाना है, वाई को लगा के नहीं लगाना, वाई को हटा के लगाना है, समझ में आ रहा है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, सिमिलर सेम प्लूरल, इसको अभी से आप लोग समझ लोगे तो आगे भी चल के कोई भी एग्जाम्स आप दे रहे हो, बड़े बड़े एग्जाम दोगे, ठीक है, उसमें भी आपको सिमिलर सेम प्लूरल से एक से एक सेंटेंस आ जाते हैं चेंज करने के लिए,
ठीक है, तो अभी से आप समझना स्टार्ट कर दो। आई एस कहाँ बदलते हैं, ठीक है, समझ में आया, जहाँ किसी भी नाउन में वाई हो लास्ट में, तो वहां पर क्या करते थे, आई एस में वाई को हटा के आई एस में चेंज कर देंगे। जैसे आर्मी, आर्मी क्या है, आर्मी क्या है, एक ग्रुप है, स्टूडेंट क्या है, छात्र, समूह इसे कहते हैं, आर्मी एक समूह है। तो वाई देखो प्लूरल्स बनाने के लिए क्या करोगे, क्या कर दोगे बेटा, वाई हटा के आई ई एस लगा दोगे, ए आर एम आई ई एस, आई में चेंज, वाई को हटा के आई में कर दिया आई ई एस, ठीक है, ओके समझ में आ गया। फ्लाई, फ्लाई मींस उड़ना, फ्लाई को इसमें चेंज कर दोगे, वाई को हटा के आई ई एस में चेंज कर दोगे, ठीक है। लेडी, एल ए डी वाई, वाई को हटा के लेडी आई ई एस में चेंज कर दोगे, ओके समझ में आ रहा है। कॉपी, कॉपी, कॉपी लिखने वाली कॉपी, ठीक है, उसको प्लूरल्स बनाने के लिए कॉपीज बोलोगे, बहुत सारी एक कॉपी है तो क्या बोल दोगे, कॉपी, आपकी जैसे ये कॉपी है, ठीक है, ये क्या है, कॉपी है, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉपी। और ढेर सारी देखो, ये दो हो गई तो क्या बोलेंगे, कॉपीज, ओके। सिटी, ठीक है, सिटी मीन्स होता है बेटा क्या, शहर, सिटी मीन्स होता है शहर, तो इसको हमको प्लूरल्स बनाने के लिए क्या करेंगे, सिटी वाई को हटा देंगे, क्या लिख देंगे, सी आई टी आई ई एस, सिटी, ओके समझ में आ गया। थ्री रूल्स कौन कौन से हैं, समझ में आए, पहले में कंसोनेंट होगा तो एस लगा देंगे, समझ में आ रहा है, जब कंसोनेंट होगा तो क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, ठीक है। सेकंड नंबर पर जब एस डबल एस सी एच एक्स एंड ओ आएगा तो वहां पर ई एस लगा दिया जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर पर क्या होगा, वाई, किसी नाउन में वाई आएगा तो क्या करोगे, वाई को हटा के आई ई एस में चेंज कर देंगे, ओके। फिर रूल्स आपको लर्न हो गए, तीनों समझ में आ गए, लर्न भी हो गए होंगे, है ना। थर्ड फोर्थ नंबर, यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो, ठीक है, यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो लेकिन वाई से पहले वाइबल हो, वाइबल से पहले ही बताया था, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये आपके क्या है, वाइबल्स हैं, ठीक है। जब वाई हो लेकिन वाई के पहले, ठीक है, वाई के पहले ए ई आई ओ यू ऐसे सब होंगे तो किस में चेंज करेंगे, एस में चेंज कर देंगे, समझ गए, ए भी एक नियम है, ए भी एक आपका रूल है, समझ गए बेटा। जैसे टॉय, टॉय को किसमें चेंज करोगे, टॉय, ठीक है, क्या कर दोगे, टॉय। अब ये कि मैम ने बताया था कि वाई आया, देखो अभी मैंने वाई वाला बताया था ना, कि वाई आता है तो इसमें आई एस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अब एक चीज और ध्यान देनी है बेटा, ए ई आई ओ यू आ जाएगा तो वहां किसमें चेंज कर देंगे, दोनों में अंदर समझ गए, दोनों में अंदर समझ में आ रहा है, वाई है, वाई है, देखो इसमें भी मैंने वाई लिखा, इसमें भी वाई लिखा, नियम नंबर थ्री टू एंड फोर, दोनों में वाई है। अब क्या डिफरेंस है, इसमें वाई आया, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, इसमें वाई के पहले क्या है, वाइबल्स है, ए ई आई ओ यू कॉन्सोनेंट वो वाइबल्स हो गया, सॉरी, ठीक है, ये कंसोनेंट हो गया, बी सी डी एफ एल, ये आपका कंसोनेंट हो गया, तो इस हिसाब से भी समझ लीजिए, ठीक है। तो वहां पर एस लगेगा, आई ई एस में ट्वाइ को मत चेंज कर देना, ओके। डे, डी ए वाई,
इसमें सिंगुलर्स का यूज हुआ है, इसमें प्लूरल्स, इस शब्द में क्या क्या यूज होगा, ये रटने से नहीं होगा, करने से होगा, एक्सरसाइज समझने से होगा। कोई बुक्स रीड कर रहे हो तो उसमें 10 सेंटेंस को आप समझ लीजिए कि हमको इसमें सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स करने हैं साथ में, ओके? आपको सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स समझने हैं ऐसे, समझ रहे हो? कि हमको ये नहीं है कि मैंने इतने पढ़ा दिए तो इतने सेंटेंस में हमको पढ़ा, आप नए नए वर्ड लेके आइए बुक से, या बुक रीड कराई जाती है कि मैं इसके इस वर्ड में सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स कैसे लिखेगा, क्या लगेगा, इसमें वही है तो इसमें क्या होगा, बट जरूरी अपने आप से करिए, जितनी अधिक अपने आप से प्रैक्टिस करोगे, बस इंग्लिश में कुछ भी नहीं है, मैं बराबर बोल रही हूँ, इसमें कुछ भी नहीं, बस इसकी एक्सरसाइज करो, इसको समझो, ठीक है? डरो ना इंग्लिश से, डरना नहीं है, समझ में आ गया? इतने रूल्स आपको समझ में आ गए? रूल नंबर 5, यदि नाउंस के अंत में ओ हो, ठीक है, जब किसी नाउंस के अंत में क्या हो, ओ हो और वाई कंसोनेंट, ठीक है, वाई कंसोनेंट हो तो क्या जोड़ देंगे, जी ओ ओ ई एस जोड़ देंगे, ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा बेटा, ओ हो लास्ट में ही जोड़ लीजिए ओ हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ई एस में चेंज कर देते हैं, जैसे हीरो, हीरो किसमें चेंज करेंगे, ओ आया है, हीरो मैंगो मैंगो पोटैटो पोटैटो, ठीक है, हिप्पो हिप्पो, नाउंस के अंत में, ठीक है, ये नंबर 6 है, नाउंस के अंत में डबल ओ आई ओ ई ओ वाई ओ वाई ओ के पहले क्या कंसोनेंट आए, इनके पहले क्या आ जाए, कंसोनेंट आए, कंसोनेंट पता है आपको, ठीक है, तो प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ते हैं, जैसे देखो डबल ओ आया, जू, जू मींस क्या होता है, चिड़िया का, ठीक है, ये क्या है आपका कंसोनेंट है, जेड क्या है आपका कंसोनेंट है, ठीक है, तो आप क्या कर दिए, जू 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 है ना, एस लगा दिया, ठीक है, मैंगो मैंगो, ठीक है, इम्प्लॉय इम्प्लॉय, ठीक है, इतना आप कर सकते हो, नेक्स्ट अभी आपके बच्चे हैं 6 हो गए 4 नहीं बच्चे हैं, हमको लग रहा है बच्चे बोरिंग हो रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको जो नीचे के 4 नंबर्स आपके बच्चे हैं या वो समझा देंगे, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स, सिंगुलर्स एक कुछ है प्लूरल्स और कुछ है, अब इतने नियम एक बार रिपीट किए देते हैं, कंसोनेंट के बाद एस लगाते हैं, जब किसी सेंटेंस सिंगुलर नंबर में कंसोनेंट आ जाएगा तो उसको बनाने के लिए एस लगा देते हैं, एस डबल एस एस एच एक्स एंड सी एच एंड ओ आ जाए तो क्या ई एस जोड़ देते हैं, जब वाई आए तो उसको किसमें किसी नाउन के अंदर पूरा बनाने के आई ई एस में बदलते हैं, जैसे आर्मी वगैरह है ना, नाउन के अंत में जब वाई आए लेकिन वाई से पहले वाइबल्स हो, ठीक है, ए ई आई ओ यू हो तो वहाँ पर किसका यूज करते हैं, एस जोड़ देते हैं, ठीक है, जब यदि किसी नाउन के अंत में ओ आए तो क्या कर दोगे, इसमें चेंज ई एस में चेंज कर दोगे, ओके, नेक्स्ट नाउन के अंत में ओ डबल ओ आई ओ ई ओ एंड वाई ओ, देखो आई हो ओ हो ई हो एंड वाई हो, ठीक है, आए तो वहाँ पर क्या इसमें चेंज कर देंगे, एस में चेंज कर देंगे, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए है एस में चेंज कर देंगे, कितना समझ में आ गया, प्लीज लाइक मी वीडियो, लाइक करिए एंड इसकी वाचिंग बढ़ाइए, देखिए इसको समझिए एंड शेयर करिए, थैंक यू, राधे राधे, सब्सक्राइब माय चैनल।